क्या प्लान आपका सर? यहाँ से जो भी हमारा जो एड्रेस है ना वो करके एकदम वाइज जी सर, वो यहाँ से गाड़ियाँ चली जाएगी आगे होगी पार्क एकदम यहाँ पे आगे होंगे और जो भी हमारे जो है वो यहाँ से एड्रेस कर लेंगे और पूरे तरीके से जब यहाँ पे हो जाएगा कम्प्लीट फिर एक लाइन के साथ में प्रॉपर तरीके से वहाँ पर जाके या फिर गाड़ियों से जाएंगे पैदल से पैदल पैदल जाएंगे मेरी और रूट अपने कौन सा लेंगे सर? यहाँ से अपने नई सर रेट होंगे ये सीधा यहीं लेंगे ना हाइड्रोजन के लिए कौन ट्रैफिक वाले पहली बार मेरे साथ स्थापक संगठन एक बुक किया और हमारा जो ज्ञापन है मेरे तो मान जाऊँ रात में ताबर आया है तभी या मेरा ग्राहक कोई तरीके नहीं है कोई तरीके एक व्यक्ति डिपेंड है वही विश्वास दे रहा नहीं वो तो वहाँ पूरे तरीके में ना एकदम अनुशासन मुक्त मिलना हमारी खुद रही जी मीना दावा मत लागू रही है ना रहे आप नहीं हवा मत क्योंकि सारा स्टूडेंट जो आया हमारे भरोसे में चौवालीस लगी हुई है सर पता ही है ना पढ़े लिखे हो सर आप पिछले कई दिनों से सर देख रहे हैं विश्वविद्यालय के लगभग पूरे राजस्थान भर में सर परसों ज्ञापन दिए गए हम पिछले काफ़ी दिनों से विश्वविद्यालय से कहाँ कहाँ दिए पूरे राजस्थान से हर उपखंड तक और हर बाकी वापस कैसे दिए उन्होंने सर अब आज का सब जगह का प्रदर्शन हर जगह हेलो जहाँ पे मेन मेन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे सब आगे प्रदर्शन करेंगे यही है और सब बात रखे हैं क्योंकि स्टूडेंट मास्क लगा लो सर बिल्कुल बिल्कुल सर वो फोटो उठाएंगे हम निश्चित हैं सर चलो कोई अनुभव करते हैं आप सब हालो एक तुम्हारा मास्क भी जब प्रॉपर है मास्क लगा दे थोड़ी सी मास्क दे Yeah.
तरीके अपनी बात ना आगे तक रखा और आज रो दिन एक ऐतिहासिक दिन हुआ क्योंकि सारा छात्र संगठन अपने सब एकजुट हुए अपनी बात रखना आगे आया। तो मारो निवेदन है आप सभा में कि आप पूरे तरीके में ना शांति रखो और अपना जो भी काम करना है पूरे शांतिपूर्ण तरीके से करना। लागनू चाहिए कि छात्र शक्ति आपकी मांग रहे वास्ते लोकतांत्रिक ढंग आपकी बात मनवा रही और मैं आपने बताना चाहूँ कि लाडले दिना मीना लगभग पूरे राजस्थान रे हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी रे मीना है प्रदर्शन आगे बढ़ियों है और वो आपने विश्वास रे बेड़ो कह सका थोड़ी सी दिना मीना या थोड़ी सी देर रे मीना जल्दी ही अपनी जीत उसे क्योंकि आप सबारी जो मेहनत और संघर्ष है ये आवाज जयपुर तक को नहीं दिल्ली तक गूंज रही आपकी मेहनत है ये ना आप यूं ही बरकरार रखो और अपना पूरे तरीके में शांतिपूर्ण तरीके में ना ये मंगा ना मनवाने वास्ते आगे आनु है। आप सभा ना शांतिपूर्ण तरीके में ना अपनी बात रखनी है आप सब अनुशासित हो और मैं आरो निवेदन है आप सभा मीना आपे इया मीना जिकिटा रवाना हो नई सड़क कन हो कलेक्टर बंगले आपे जद ज्ञापन देन जाहा तो आप सब शांति मीना एक कंटिन्यू एक लाइन रे मीना और पूरा अनुशासन रे मीना अपना पहनो हमारो निवेदन है और लागनू चाहिए कि छात्र समुदाय एकजुट हो अनुशासित तरीके में ना लोकतंत्र में ना आपकी आवाज लागे जिता भी भाई से एक पढ़ा रहा है सती सी कौम रे युवा साथियों ना धन्यवाद दिया जो हर तरीके री जो सीमा हती जो पार्टी री जो जाति री जो धर्म री जो संप्रदाय री वहां सभा ना नकार एकजुट हुआ एक जाजम माते हार बेटा है ये वास्ते हूँ पूरे छात्र समुदाय ना तहे दिल धन्यवाद दे वंदे मातरम्
मातरम वंदे मातरम। आज जय हनुमान व्यास विश्वविद्यालय के आगे सातर तरुणाई के रूप में आप सब हमारे युवाओं के सहित माननीय जय हनुमान व्यास विश्वविद्यालय के सातर संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह के नेतृत्व में आप सब राजस्थान की नहीं अभी तो पूरे कोने कोने से पधारे हुए आप तमाम सातर तरुणाई का और युवा साथियों का दिल से आभार प्रकट करते हैं। और मैं भी केंद्रीय कॉलेज सातर संघ अध्यक्ष हूँ और मराठी जिला से रहता हूँ। हेलो सरकार में मोती सिंह मौत को टुकड़ा पड़ेगा छात्रों के साथ कभी हम अन्याय नहीं होने देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अध्यक्ष साहब मैंने लाइव के माध्यम से सुना था कि एक बार नहीं हजारों बार निलंबन कर दो छात्र करने के आगे आपको टुकड़ा पड़ेगा दोनों की तरह सहना पड़ेगा। मोहम्मद चढ़ने और नाम के साथ इतने तो बाकी दो लोगों नाम भेजो ना नाम जो भी है वो अरे मंच में तो ध्यान रहे तो भेजी तुम शायरी। अरे एक सेकंड अरे मैं तो खुद पेज का हूँ यार आप और हम सब आगे हमारे पर पार्टी साहब को निर्देश देंगे आप और हम सब पालना करेंगे। और मैं इसी के साथ बाबा अगर आपका कोई माता की माता की हेलो हाँ सर बताओ महेंद्र एक यहाँ फोटो मेरा नाम अनिल पटेल है। हेलो हाँ सब बताओ बताओ यहाँ पर उपस्थित ओल्ड कैंपस ओल्ड कैंपस सर मैं गांव से सर मैं ठीक है आया पढ़ने के लिए तब मेरे हृदय में राष्ट्र को बदलने के लिए कुछ भावनाएं थी मेरी आंखों में स्वर्ण युग सपने थे मेरी अभिलाषा थी मेरी आशाएं थी कि मैं अपने समाज को बदलूंगा परंतु बीबी प्रशासन के द्वारा पैसों की वसूली की गई फीस के नाम पर पैसों की वसूली की गई और उस माटी का वृक्ष नहीं बाबा गेस्ट साहब को फोन करो यहाँ पे भीड़ को सामने लाए आप एक बार माइक लो कर ये अपील करो बाहर जाओ सत्य को परेशान किया जा सकता है परंतु सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता इसलिए आज सबका मिलकर तिरंगे का पेटमान बनाओ ये आवाज को आप समारोह तहे दिलो आभार कि पूरे राजस्थान भरूं जो युवा शक्ति ईदगाह आ रही है बाबा एक बार तहे दिलो आभार व्यक्त करा अपने सन्ने नामन के बाद आप ना दिया ठीक है आप अमूल्य समय निकाल समुदाय वास्ते आप सब कदम रखिए और भेड़ो जितनी आगे खड़ी है ये सभाओं में निवेदन करना चाहता हूँ अपना अनुशासन तरीके हूँ ये अपनी बात न रखनी है और अपना बगल ऊपर अर्थ है कि जितना भी छात्र समुदाय छात्र संगठन और सब जितना भी छात्र समुदाय है वो हम सब आज एक जाते नाते बैठे और इतिहास में मीना पहली बार एड हो कि आप सब एकजुट हुए एक ही जाते मेरे माता बेटा तो मारो निवेदन है कि ये रो एक सकारात्मक मैसेज पूरे भारत में मीना जावे ये रहा आप सब बताओ बताओ कि आप सब संयम रखो और आप हाथ में जिकेरा हाथ में तिरंगो है हाँ आदेश करो आदेश करो सब अधिक और खड़ो राखिया हेलो आप सब युवा हो आप
सभा ना चालू आप पे आज अपना हक की लड़ाई लड़न आया। ठीक ठीक चलो। और हर तरीके की पूरी जिम्मेदारी अपनी है, तो हमारा निवेदन है कि आप सब पूरे अनुशासन तरीके ये चीज ना आगे बढ़ाओ। और आप थोड़ी देर में रवाना हो नई सड़क रे रस्ते कलेक्टर साहब ने ज्ञापन दे रहा हो। हमारा निवेदन है आप सब अमीना आप सब अनुशासन तरीके खड़ा रहो और कोई भी तरीके की दिक्कत हुआ तो आप रो भाई रविंदर तो आप रे बेड़ो हमेशा खड़ो हो जाते हो और आगे भी रहे। नमस्ते तुम संघर्ष करो रविंदर शेख भारत माता की बोलो भारत माता की नीचे खड़ा रो मंच माता के ना खड़ो नहीं दादा आप यही हो विश्वविद्यालय प्रशासन हमें भड़काने का पूर्ण प्रयास करेगा लेकिन हमें किसी प्रकार का अनुशासन हिंसा नहीं करनी है। अभी जो भी बंधुवर पीछे खड़े हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप इस क्रांति का हिस्सा बनने के लिए सामने आ जाएं। जो पीछे खड़े हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ विनम्र निवेदन है हम सब आज की इस क्रांति का शुरुआत करते हैं। राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए मारवाड़ के समस्त युवा साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय घोष के साथ में आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भारत माता की जय। पूरी बुलंद आवाज के साथ में जोधपुर की गलियों से निकलते हुए ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके सीना तान करके पूरे जोश के साथ में बोलिएगा भारत माता की जय। भारत माता की जय। पूरी बुलंद आवाज के साथ में अपनी शक्ति का एहसास करवाइएगा भारत माता की जय। भारत माता की जय। करणी माते की जय। अम्बेश्वर भगवान की जय। विश्वकर्मा भगवान की जय। विश्वकर्मा भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मीदाजी महाराज की जय। चेतेश्वर भगवान की जय। राजा राम जी भगवान की जय। चेताजी महाराज की जय। बाबूजी राठौड़ की जय। कमसा पीर की जय। बाबा साहेब अम्बेडकर की जय। जय अपने सनातन धर्म की जय। बोलो बोलो भारत माता की जय। बोलो बोलो भारत माता की जय। वंदे तुम संघर्ष करो वंदे मातरम। दोनों हाथ ऊपर करके पूरे जोश के साथ में शक्ति का एहसास करवाइएगा भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मातरम मातरम। वंदे मातरम। दोनों हाथ ऊपर करके जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से सप्पा सप्पा गूंज रहेगा इंकलाब के नारों से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से सप्पा सप्पा गूंज रहेगा इंकलाब के नारों से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से सप्पा सप्पा गूंज रहेगा इंकलाब के नारों से। राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए मेरे तमाम 36 कौम के युवा साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं रविंद्र सिंह भाटी की ताकत किसी व्यक्ति की ताकत कोई पार्टी हो सकती है कोई संगठन हो सकता है लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की कोई ताकत है तो ये 36 की 36 कौम की युवा शक्ति। बंधुओं आप सबकी ये ताकत है आपकी ताकत की बदौलत आज से 3 साल पहले निर्दलीय ताज ठोकी थी और 57 साल के इतिहास इसलिए रविंद्र सिंह भाटी की ताकत ये 36 कौम की युवा शक्ति है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कल का दिन आपने देखा होगा राजस्थान भर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर देख लो प्रत्येक जिले के अंदर देखो प्रत्येक गांव का प्रत्येक क्षेत्र का युवा जागृत
और हर क्षेत्र के अंदर ज्ञापन दिया रविंद्र सिंह के पक्ष में, किसी नेता के पक्ष में भी एक बार कोई बड़ा नेता भी ऐलान कर दे राजस्थान की युवा शक्ति खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के साथ में राजस्थान के युवा खड़े हो गए, इसका कारण क्या है? रविंद्र सिंह भाटी एकमात्र छात्र नेता है जो हमेशा जाति धर्म से ऊपर उठकर छात्र हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। क्योंकि उसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बंधुओं, जिस प्रकार से आपने भी शक्ति का एहसास करवाया और रविंद्र सिंह के पद को कल के कद को मजबूत किया, और आज इस आवाज को अगर कमजोर बना दिया, आज इस आवाज को आपने अगर कमजोर कर दिया, तो आने वाले समय के अंदर कोई हिम्मत नहीं करेगा आपकी आवाज को उठाने का। आप सब युवा शक्ति से ये निवेदन है कि आप सब जुड़ जाइए कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर भाई रविंद्र सिंह के साथ में, क्योंकि तलवारों की धार पे इतिहास बदलते देखा है, उस और जवानी चलती है, उस और जमाना चलता है, उस और जमाना चलता है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सब, आपको पता होगा पिछले दो दिन पहले फीस माफी को लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने एक बड़ा आंदोलन किया। पिछले दो साल से कोरोना के कारण सारे व्यवसाय ठप है, उद्योग धंधे ठप है, लेकिन एक सामान्य परिवार से आने वाला यह युवक, जिनके माता पिता ये सोचते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया तो कोई नहीं और नहीं, लेकिन मेरा आने वाला बेटा कुछ पढ़कर आने वाले समय के अंदर अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, अपने समाज का नाम रोशन करेगा, अपने देश का नाम रोशन करेगा। इस उद्देश्य से एक पाकिस्तान बॉर्डर से युवा जोधपुर की धन्य धारा पर आता है, पढ़ने के लिए आता है, प्रत्येक विश्वविद्यालय के अंदर, पूरे राजस्थान के भर भर के विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए जाता है। लेकिन इनकी अधर्मिता तो देखो, जिनके घर के चूल्हे आपकी फीस से जलते हैं वो लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, लाठीचार्ज के माध्यम से। हमारे धर्म की बात तो यह है, गांधीवादी विचारों की बात करने वाले लोग जब इस तरह की हिंसा पर बात करते हैं तो गांधी जी को इस स्वर्ग में बैठे बैठे शर्म आ रही होगी। हमारी बहन बेटियों के ऊपर लाठियां चार्ज करते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। फीस वसूली, एक किसान जो मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ तक भेजता है, वो फीस यहाँ से काल से लेके आ जाएगा। इसलिए आप सबको रविंद्र सिंह की भाटी की आवाज को बुलंद करना है, उनके साथ में मजबूती के साथ में खड़े हो जाइएगा और हमारी जीत होगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये चिंगारी जब जोधपुर की धन्य धारा से जगी है, पूरे राजस्थान भर के अंदर जगनी चाहिए। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर दो की तरह हिलने लगी, सर तले की नहीं ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये धधकती हुई ज्वाला आपके मन में जगनी चाहिए। बंधुओं, रविंद्र सिंह भाटी पिछले 3 साल से 36 कौम को साथ में लेकर छात्र हितों की रक्षा के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। वो जब हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम भी उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर उनके साथ में चलेंगे। ऐसा आप विश्वास दिला सकते हो क्या मेरे को? हाथ ऊपर करके विश्वास दिलाइएगा। जितने भी युवा शक्ति खड़ी है, दोनों हाथ एक बार ऊपर कर लीजिए और संकल्प करिए मेरे सामने। हम सब जो भी पीछे खड़े हैं, दोनों हाथ एक बार ऊपर कर दीजिए, अपने अपने स्थान पर दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए और मेरे साथ में संकल्प कीजिए मुट्ठी बंद करके। हम सब ये संकल्प लेते हैं कि हम रविंद्र सिंह भाटी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर खड़े रहेंगे।
नहीं है, किसी अपने वाले नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। अब मेरा बाड़मेर की धने धना से पधारे हुए छात्र नेता प्रवीण सिंह जी मिठड़ी से निवेदन है कि आप अपनी ओजस्वी वाणी से मार्गदर्शन दीजिए। भारत भारत माता की जय। युवा साथियों, आपकी जयकार ऐसी होनी चाहिए। ये तो राजस्थान का शिक्षा मंत्रालय और अपने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो विशेषज्ञ के कानों के अंदर रुई ठुसी हुई है, उस रुई को फाड़ते हुए उनकी कानों के अंदर सिंगारी बनकर जानी चाहिए कि हर रविंदर आज जाग चुका है, हर स्टूडेंट रविंदर बनकर आया है। भारत माता की जय। रोशा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रोशा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर्वप्रथम राजस्थान के कोने कोने से पधारी हुई इस युवा शक्ति का, इस छात्र शक्ति का मैं हृदय के अंतर गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, आज हम सबके लिए एक इतिहास रचने का दिन है। जब रविंद्र सिंह जैसा एक ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक ऐसा छात्र नेता पिछले लंबे समय से समय समय पर हमारे लिए इस प्रशासन से, इस शिक्षा मंत्रालय से, इस सरकार से सीधी लड़ाई लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सब युवा साथियों का कर्तव्य बनता है कि जब भी रविंद्र सिंह आह्वान करे तो हम बिना पलक झपके, बिना समय गवाए हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मित्रों, आज पूरे प्रदेश भर के अंदर हर युवा शक्ति, हर छात्र रविंद्र सिंह के साथ खड़ा है। उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि रविंद्र सिंह ने किसी भी अगर बात को उठाया है तो उस बात को हमारे लिए उठाया, हम विद्यार्थियों से जुड़े हुए उठाया है। आज हम राजस्थान के सबसे पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं, बाड़मेर जिले से आते हैं। बाड़मेर की भी अगर आपको बात बताऊं तो वहाँ पढ़ने वाला युवा मुनाबाव की तपती हुई रेत से निकल कर आता है और वो बाड़मेर जैसी या जोधपुर जैसी क्षेत्र के अंदर जब आता है और विश्वविद्यालय महाविद्यालय के अंदर अध्ययन करता है तो अध्ययन के साथ 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 में सरकारी विश्वविद्यालय महाविद्यालय इसीलिए आता है कि वो दूसरा कार्य कर पाए, ताकि अपने इनकम भी ले पाए। हम सब देख रहे हैं कोरोना जैसी महामारी के कारण पिछले 2 साल से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय बंद पड़े हैं, फिर भी जिस प्रकार से इन्होंने हमारे ऊपर फीस का जो हमारे ऊपर रोक थापा है, जब विश्वविद्यालय ने फीस मांगनी शुरू की तो किसी ने इस बात को उठाने को वाजिब नहीं समझा। पर मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ भाई रविंद्र सिंह भाटी को, जिनके दिल के अंदर ये दर्द जगा, दिल के अंदर ये बात बैठी कि मेरे भाई, मेरे साथ पढ़ने वाले रविंद्र सिंह तो छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव जीत चुके थे, इनको तो किस बात की मोह माया थी हमसे, लेकिन ये हमारी बात को समझते है, ये हमारे दर्द को महसूस करते हैं, ये हमारे दर्द को भली भांति जानते हैं। तभी इनके मन के अंदर ही आया कि अगर इन्होंने मुझे चुनकर भेजा है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं मेरे भाइयों के लिए इस विश्वविद्यालय प्रशासन से लड़ूं। ये विश्वविद्यालय क्या दबाएगा हमको, हमारे भाई को क्या निलंबित करेगा? हम सब रविंदर हैं, हम सबको निलंबित करके दिखाओ तो हम माने। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ खड़े युवा है, युवा का उल्टा वायु होता है, वायु अच्छा से तूफान का वेग बदलने की ताकत रखते हैं, तुम तो फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन हो। मित्रों, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जब एक युवा चिंगारी बनकर निकलता है तो सरहद से लेकर संसद तक बात रखने की ताकत रखता है, ये रविंद्र सिंह भाटी ने हम सबको आज बताया है। मैं इस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि आप हमें शांति प्रिय समझ रहे हैं, हम शांति प्रिय है क्योंकि हमने अपनी पढ़ाई के अंदर गांधी जी को भी पढ़ाया और भगत सिंह जी को भी पढ़ाया है। हम शांति से अपनी बात कहना चाहते हैं तो उग्र आंदोलन कहकर भी अपनी बात मनवाना जानते हैं। आंधियों की जिद है,
अरे आंधियों की जिद है जो बिजलियां गिराने की, रविंदर सिंह और हम सब की जिद है वही आशिया बनाने की। उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदे रहना जरूरी है। मैं अंत में केवल इतना ही कहूंगा कि ये जमीन साथ दे तो और बात हो, ये आसमान साथ दे तो और बात हो, चलने को तो कोई चल लेता है कदम पर, आप जैसे युवा साथी अगर दूसरे भी पांव साथ दे तो और बात हो, दूसरा पांव भी साथ दे। भारत माता की जय। ऐसा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कहूंगा मैं भी, आप सब कहना रविंदर, मैं भी रविंदर। दोनों हाथ उठा के प्रशासन को लगना चाहिए कि आप सब रविंदर बनकर आए। मैं भी रविंदर, मैं भी रविंदर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो पधारे हैं राजस्थान के कोने कोने से युवा साथी, उनका भी मैं रविंदर सिंह की तरफ से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सब ने वास्तव में इस छोटे से निवेदन पर आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर एक शक्ति का प्रदर्शन किया है, यह एक देखने को बनता है। किसी कवि ने कहा है कि हिम्मत से काम लो मेरे स्वजन, हिम्मत से काम लो मेरे स्वजन, ये दुनिया सिर्फ हिम्मत वालों के लिए बनी है। हिम्मत से काम लो मेरे स्वजन, ये दुनिया सिर्फ हिम्मत वालों के लिए बनी है। मुर्दों की तरह मत जियो मेरे भाई, मुर्दे तो केवल कब्रों के ही काबिल होते हैं। हिम्मत हार कर जो मरने की सोचते हैं, हमने उस स्थिति में जीने की कसम खाई है, क्योंकि मरना काम नहीं है बहादुरों का। बहादुर तो सांसें उधार लेकर भी जीने की सोचते हैं, बहादुर तो सांसें उधार लेकर भी जीने की सोचते हैं। भारत माता की जय। दोनों हाथ ऊपर करके पूरे जोश के साथ में बोलिए, पीछे जो आ रहे हैं वही खड़े खड़े चलते चलते दोनों हाथ ऊपर कर दीजिएगा। भारत माता की जय। दिव्यांग हॉस्टल से
भाई खैरा जी से मेरा निवेदन है कि आप संबोधन करें। जोरदार तालियों से इनके अरे नीचे धरो भारत माता की कम नीचे कम करो भीड़ भीड़ कम करो स्टेज पे भारत माता की जय। सभी मेरे युवा साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में आपने जो ये एक निर्णय लिया है कॉलेज के सेंटर को लेकर, जहां भी आड़े टेढ़े जगह सेंटर दिए जा रहे हैं वो वास्तव में बहुत गलत है। और मैं भोम सिंह भैया और हमारे प्रेसिडेंट सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और हम लड़ेंगे, हम दिव्यांग हैं, लेकिन बहुत सारे दिव्यांग हैं, बाकी जब तक हमारे पूरे काम नहीं होंगे तब तक हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे देख रहा हूँ युवाओं का जोश बढ़ता जा रहा है। ऊपर से सुनो वा, सुनो ये फोन ऊपर से लाइव कर दो। जिस प्रकार से आपका जोश बढ़ता जा रहा है उस प्रकार से रविंद्र सिंह पार्टी की ताकत बढ़ती जा रही है। और दुनिया के अंदर जब भी कोई क्रांति हुई है से। ओम प्रकाश जी से मेरा निवेदन है कि आप आए और मार्गदर्शन करें। ओम प्रकाश जी आए हैं क्या? चलिए आगे आगे। युवा शक्ति भेड़ी हुए हैं और लगभग धीरे धीरे सब भाई पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों आगे आ रहा है। मारो बड़े भी निवेदन है कि कोई भाई अगर आगे आ रहा आपकी बात रखनी चाहे, युवा शक्ति ना आपकी बात बतानी चाहे तो सादर आमंत्रित है। सब हम पे सभा की लड़ाई है, अपना सभा हक की लड़ाई है और आप सब अपना सभा मिल लड़नी है। तो मारो निवेदन है
कि कोई भी छात्र शक्ति, कोई भी युवा साथी जो को आगे आनी चाहे तो आ सके। छात्र मंत्री और रही बात दूसरी, घड़ा लोग घड़ा छोटा भाई मारा है आप संको भी करे खाना बताणो तो अरे पटेल साहब मंत्र माता ब्लैंक ब्लैंक साहब तो मंत्र माता आज तो कुमारा पग दूजा करे पर फाव भी नामी हूं चाहूं कि मारे भगवती वासा करा प्रार्थना करा कि आप हमारे मीना में युवा शक्ति आगे आवे और ये जगह खड़ी रहे। आज जो मैं संबोधित कर रहा और वह आगे आने वाले टाइम रे मीना आप सब मजबूती मीना ये जगह चाहते इतार आज तक जो लड़े है आज तक जो लड़े हुए वो जीते हुए घरे सुतोड़ा कदे जीतिया को नहीं है जीते है कदे तो आप लड़ सा अपने हक रास्ता लड़ सा और पूरा प्रशासन सरकार ना लागू चाहिए कि युवा शक्ति आगे आई है। वो धन्यवाद देनु चाहूं आप सब ना कि आप इतना शॉर्ट नोटिस ना माता सब युवा शक्ति एकजुट हो रही और भेड़ो ही भेड़ो आज मैं इतनी फीस कहां कर दिया आप समझो कि लारला दो साल में ना जको चीज मां उपयोग करी कोनी है उरे नाम मेरे माता विश्वविद्यालय मां बेली लूटपाट क्यों के जदू तो मना लागियो कि बिल्कुल सब ए हर एक छात्र बेली लूटपाट हो रही और ये रे खिलाफ अगर आज आवाज नहीं उठाई तो आउनाड़ा मारा छोटा भाई केस है कि जिकेटा मैं और फीस री जिकेटा मोटा बढ़ोतरी शुरू करी और ए जको परंपरा शुरू करी तो उटम थे अगर खुली नींद में ना सोता होता अगर यहां जागर उठ हुआ मेरो अगर विरोध करता तो शायद आज ये हालत को नहीं होती। तो मारो निवेदन है आप सभा मीना अपने अपने हक री लड़ाई वास्ते ही आया अपा सभा रे मीना सब अनुशासित विद्यार्थी है और मारो निवेदन है कि आप ये लड़ाई ना आगे तक ले जानी है। जयपुर और दिल्ली बैठोड़ा जो सियासन है वो थाने एक जयकार में हिलन लगा है। आप ना बताणु चाहू कि यह लड़ाई एक आम छात्री है कोई संगठन री लड़ाई कोनी कोई जाति री लड़ाई कोनी कोई धर्म री लड़ाई कोनी कोई संप्रदाय री लड़ाई कोनी यह लड़ाई अपा सभा री लड़ाई है हर एक वे विद्यार्थी री है जो आज गांव मीना बैठोड़ो अपा मीना कहीं ना कहीं उम्मीद रखे अपने सामो देखे पड़ो वे सभा री लड़ाई ना अपा सभा ना भेड़ा हो एकजुट हो मजबूती लड़ाई लड़नी है और भेड़ो ही भेड़ो अनुशासन पूरे राखणु है लागणु चाहिए कि छात्र जिता भी है अनुशासित है और बेड़ो ही बेड़ो हूं थाना बताणु चाहू जहाँ तो लगभग सब विद्यार्थी है आप सब फीस दे हो हर एक चीज है मैं प्रशासन ना भी कहो तो कि ए विद्यार्थी है हमारा छोटा भाई है और इे बेड़ो कोई भी तरीके रो कोई भी अन्याय मैं सहन कौन करा और आज वापिस हो आप सबारे माध्यमिक कि अगर गिनती रे दिना रे मीना अगर है फीस रोज को राहत है अगर नी दिनी आप सबारी ताकत री बदौलत और समर्थन री बदौलत कि पूरे राजस्थान भर रे मीना हर एक यूनिवर्सिटी रे मीना हर एक कॉलेज रे मीना धरना प्रदर्शन उसे और उग्र आंदोलन उसे और उगरी सारी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन री उसे और जिम्मेदार प्रशासन उसे आज मीना घड़ा घड़ा जड़ा के था कि साहब नब्बे साल लो किस्मत है दो दो साल लो थाना टेन्योर मिले तो हूँ जाओ तो मैंने कहा दे जाओ तो यार ये जाओ जयपुर जाओ दिल्ली जाओ की मतलब है हमें ऐसे सब करो प्रदर्शन करो नहीं।